गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार। 20 अक्टूबर 1995 को इस विश्वविद्यालय की स्थापना एक ऐसी पुण्यात्मा गुरु जम्भेश्वर जी महाराज के सम्मान में हुई, जिनके सिद्धांत युगों युगों तक जीव जगत के कल्याण और प्रकृति व पर्यावरण के रक्षक के रूप में मानव जाति का मार्गदर्शन करते रहेंगे। गुरु जी के सिद्धांत ज्ञानम विज्ञान सहितम के ब्रह्म वाक्य को शिरोधार्य कर ये विश्वविद्यालय विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और साथ ही अपनी सामाजिक, नैतिक व अन्य जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन कैंपस अवार्ड से सम्मानित हो चुका गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार का परिसर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आधारभूत ढांचे से सुसज्जित है। विश्वविद्यालय के मध्य में स्थित यहाँ का चौधरी रणबीर सिंह सभागार विश्व स्तरीय एवं आधुनिक स्तर का है। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ राष्ट्र व समाज हित के अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। इस विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाएं अत्यंत उच्च स्तर की हैं तथा अति आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित हैं। सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन लैब सामूहिक शोध व आविष्कार के क्षेत्र में अत्यंत लाभदायक साबित हो रही है। विश्वविद्यालय के 12 शिक्षण खंडों में शानदार कक्षा कक्ष स्थापित हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय होते हुए भी यहाँ के महाराणा प्रताप खेल परिसर में अंतर्राष्ट्रीय व ओलंपिक मानकों पर आधारित खेल सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनका लाभ उठाकर विश्वविद्यालय के परिसर तथा संबद्ध महाविद्यालयों के विद्यार्थी खेलों में विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में UGC मानव संसाधन विकास केंद्र देश में नंबर 1 मानव संसाधन विकास केंद्र है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय देश के श्रेष्ठ पुस्तकालयों में से एक है, जहां 1,05,381 पुस्तकें, 7,00,000 ई पुस्तकें व 7,000 से अधिक ई जर्नल्स उपलब्ध हैं, जिनका फायदा उठाकर विद्यार्थी, शोधार्थी व शिक्षक श्रेष्ठ उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। 550 से अधिक शोधार्थियों तथा 30 संबद्ध महाविद्यालयों के इस विश्वविद्यालय में कर्मठ शिक्षकों, अधिकारियों व कुशल कर्मचारियों की टीम विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयां देने में लगी है। विश्वविद्यालय का लगभग पूरा परिसर इंटरनेट, कंप्यूटर सेंटर, लैब व वाईफाई सुविधा युक्त है। विश्वविद्यालय के 70% शिक्षक PhD उपाधि धारक हैं। दीनदयाल उपाध्याय इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन सेंटर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों व शोधार्थियों में सृजनात्मक कौशल विकसित करने में योगदान दे रहा है। मात्र 25 वर्षों की अपनी विकास यात्रा में इस विश्वविद्यालय ने विकास शिखरों को छुआ है। हर बार बेहतर CGPA के साथ लगातार 3 बार NAC से A-ग्रेड प्राप्त कर चुका है। इस विश्वविद्यालय में वर्तमान में 55 कोर्सेस पढ़ाए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय का रिसर्च इंडेक्स 90 के करीब हो चुका है, जो इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है। इस विश्वविद्यालय में अपार संभावनाएं हैं। यहाँ का आधारभूत ढांचा, शैक्षणिक वातावरण, यहाँ के शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों की कार्य क्षमता शानदार है। हमने सपना देखा था कि ये विश्वविद्यालय विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाए, अब यह सपना सत्य होने लगा है। विश्वविद्यालय को पहली बार टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग 2021 में 801 से 1000 में स्थान मिला है। भारतीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार यह विश्वविद्यालय देश के पहले 100 विश्वविद्यालयों में अपना स्थान बना चुका है। विश्वविद्यालय का H इंडेक्स 90 के पास पहुंच चुका है। साइटेशन 50,000 तक पहुंचने वाली है। विश्वविद्यालय की पिछले 25 वर्षों की उपलब्धियां शानदार रही हैं। इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर विश्वविद्यालय को रूसा DST पर्स
से 80 करोड़ रुपए का अनुदान मिल चुका है, जिससे विश्वविद्यालय के आधारभूत ढांचे को और अधिक विकसित करने में मदद मिल रही है। विश्वविद्यालय शीघ्र ही ऑनलाइन कोर्स भी शुरू करने जा रहा है। इस गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छात्र जहां शिक्षण शोध के अतिरिक्त खेल, सांस्कृतिक व अन्य गतिविधियों में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं इसके शिक्षक भी लगातार राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान व उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के बायो एंड नैनो टेक्नोलॉजी विभाग के शिक्षक डॉक्टर संदीप कुमार को मिला श्रेष्ठ युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि विश्वविद्यालय का कार्य केवल शोध व शिक्षा को बढ़ावा देना नहीं होता, बल्कि पे बैक टू सोसाइटी के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समाज के प्रति भी जिम्मेदारियां बनती हैं। प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में अपना सार्थक योगदान देते हुए विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक कोर्सों में इकलौती बेटी संतान के लिए एक एक सीट आरक्षित की है। साथ ही छात्राओं के लिए मातृत्व अवकाश की व्यवस्था भी की है। ऐसा करने वाला गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय बना है। भारत सरकार के उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत विश्वविद्यालय ने 5 गांवों को गोद ले रखा है। इसके साथ साथ कुलपति महोदय ने भी एक अतिरिक्त गांव गोद ले रखा है। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर लगाया जाता है, साथ ही अन्य सामाजिक व राष्ट्रीय अभियानों में बढ़ चढ़ कर भाग लिया जाता है। विश्वविद्यालय द्वारा एक नायाब पहल के तहत मनोविज्ञान विभाग में स्थापित मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन एवं परामर्श केंद्र हर जरूरतमंद को मनोवैज्ञानिक सेवाएं देने के लिए उपलब्ध है। गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो राष्ट्रीय स्तर पर तो अपनी पहचान बना चुका है, अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होने के लिए प्रयासरत है। वर्तमान में विश्वविद्यालय देश के टॉप 100 विश्वविद्यालयों की श्रेणी में शामिल है तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी टॉप 1000 की श्रेणी में शुमार हो चुका है, जो 25 वर्षों में ही एक शैक्षणिक ख्याति का प्रतीक है। विश्वविद्यालय का आधारभूत ढांचा, समर्पित शिक्षक, कर्मठ अधिकारी व कर्मचारी, ऊर्जावान विद्यार्थी तथा सृजनशील शोधार्थी मिलकर इस लक्ष्य को भी शीघ्र ही प्राप्त कर लेंगे।